हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी के इस वीडियो में आज हम चार स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है। दोस्तों, आपसे मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला स्टॉक यूको बैंक लिमिटेड है। ये 47,943 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक मिड कैप कंपनी है। ये स्टॉक शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को 41 रुपए और 45 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 48 रुपए और 45 पैसे है और 52 वीक लो 22 रुपए और 25 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 40 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 42 रुपए और 55 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 45 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 47 रुपए और 35 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या इन लेवल्स से भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 39 रुपए और 80 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 36 रुपए और 95 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 34 रुपए और 60 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा दूसरा स्टॉक बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड है। ये 32,538 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक मिड कैप कंपनी है। ये स्टॉक शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को 48 रुपए और 30 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 51 रुपए और 90 पैसे है और 52 वीक लो 22 रुपए और 80 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 45 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 48 रुपए और 90 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 51 रुपए और 65 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 53 रुपए और 85 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या इन लेवल्स से भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 45 रुपए और 30 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 43 रुपए और 5 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 40 रुपए और 20 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा तीसरा स्टॉक GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। ये 1,228 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्टॉक शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को 237 रुपए और 90 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 244 रुपए और 80 पैसे है और 52 वीक लो 144 रुपए और 50 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 214 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 244 रुपए और 45 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 254 रुपए और 20 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 262 रुपए और 10 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या इन लेवल्स से भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 228 रुपए और 90 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 215 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 204 रुपए और 40 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा चौथा स्टॉक ईमुद्रा लिमिटेड है। ये 1,228 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है।
ये स्टॉक शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को 466.50 रुपए पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 244.80 रुपए है और 52 वीक लो 144.50 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 214 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 244.45 रुपए, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 254.20 रुपए और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 262.10 रुपए। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या इन लेवल्स से भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 228.90 रुपए, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 215.10 रुपए और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 204.40 रुपए। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इनमें कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।